अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। मेरा नाम है जाजे और मेरा नाम है बालाज। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको यहाँ मिलती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो इंडियन के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। टाइटल मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, बाकी बात इंडिया की सरजमीन पे ऐसी जगह जहाँ इतना सोना है कि 99% लोगों को नहीं मालूम कि ये सोना कहाँ है। 99% मतलब 1% को पता है, 1% को पता है, वीडियो वाले को पता चल गया। ये भाई जान राज खोलने जा रहे हैं आखिरकार, ये सोना कहाँ पड़ा हुआ है। इंडिया वालों तैयार हो जाओ, वीडियो करने लगे हम स्टार्ट। कहा जाता है भारत को जितना लूटा गया उतना दुनिया का कोई देश नहीं लूटा होगा, और जानते हैं सबसे ज्यादा भारत से क्या लूटा गया? सोना, गोल्ड। दोस्तों भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। अब जो लूट गया सो लूट गया, बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें विदेशी लुटेरे वो ही लूट सके जो उस कालखंड में जमीन के ऊपर था। उस भाग पर आक्रमणकारियों की नजर पड़ी ही नहीं जो सोना जमीन के अंदर था। आज भारत के पास काफी सारा सोना है जो इंतजार कर रहा है एक्सट्रैक्शन का, उत्खनन का, और समय के साथ साथ और भी गोल्ड माइंस का पता चलते जा रहा है। कहा जाता है सोनभद्र में जो सोन पहाड़ी मिली वहां इतना सोना है जो भारत ने आज तक नहीं देखा। जितना गोल्ड रिजर्व भारत के पास आज की तारीख में उससे 4 गुना ज्यादा सोनभद्र में है, ऐसा बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में सोना कहां कहां से निकलता है, भारत में कहां है सोने की फैक्ट्रियां, रिफाइनरीज, और वो सब कुछ जो आप भारत के शुद्ध कीमती सोने के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए ज्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से मिलते हैं या अंडरग्राउंड खानों से। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस किया जाता है। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। देखिए इस तरीके से चट्टान के टुकड़ों पर चमकता दिखता है सोना। स्वर्ण अयस्क यानी कि गोल्ड ओर से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले चट्टानों से निकले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। मिल में जो ओर होता है गोल्ड का, अयस्क जो होता है उसको पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। उसके बाद अयस्क को यानी कि गोल्ड ओर को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण यानी कि गोल्ड और पारा मिलकर अमैलगम बना लेते हैं। एक बार अमैलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद जो बचा रह जाता है वो होता है सोना, शुद्ध सोना। इस तरह बनता है चमकदार बेशकीमती सोना जिसे खरीद कर और पहनकर लोगों की शान और शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। अब चूंकि आप सोने को निकालने की प्रक्रिया को समझ चुके हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम इतने ज्यादा होते हैं। आइए जानते हैं कहाँ है भारत में सोने की फैक्ट्रियां और कहाँ है सोने की खदानें। कर्नाटका। कर्नाटका में दो जगह बहुत बड़ा सोने का भंडार है। एक है कोलर गोल्ड फील्ड यानी कि KGF और दूसरा है कुची गोल्ड माइंस। भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक कर्नाटका राज्य है। सोने की खदानें कोलार गोल्ड फील्ड, धारवाड़, हसन और रायचूर, हुत्ती गोल्ड फील्ड जिलों में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है? आमतौर पर सोने की खदानें दुनिया की सबसे गहरी खदानें होती हैं। दक्षिण अफ्रीका में मपोनेग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी है जिसकी लंबाई या गहराई मान लीजिए 3.9 किलोमीटर है। वैसे तो भारत में कई सोने की खदानें हैं, हालांकि जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो भारत का सबसे ज्यादा 88.7% सोना भारत को निकाल कर इस गोल्ड फील्ड से मिला है, कोलर गोल्ड फील्ड से। हाल ही में कोलर गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया है ताकि वहां और बेहतरीन एक्सट्रैक्शन के यानी कि उत्खनन के बेहतरीन संसाधन जुटाए जा सके जिसके बाद वापस से खुदाई शुरू होगी, लेकिन अभी वहां का काम बंद करके रखा गया। बताया जाता है कर्नाटका में 14 और ऐसी जगह हैं जहां गोल्ड भंडार मिले हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं, और जल्द ही वहां भी उत्खनन शुरू होना शुरू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जगह जो कर्नाटका में ही स्थित है जहाँ बहुत सारा सोना मिलता है वो है हुत्ती गोल्ड माइन। आपको बता दें हुत्ती गोल्ड माइन भारत की एकमात्र एक्टिव गोल्ड माइन है जहाँ से आज की तारीख में सोना निकल रहा है। बताया जाता है हुत्ती गोल्ड माइन से हर दिन 7 से 8 किलो सोना निकलता है और हर साल 1700 किलोग्राम सोने से ज्यादा सोना हर साल निकलता है। बताया जा रहा है कि 2021 में हुत्ती गोल्ड माइन का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा और 3500 किलोग्राम सोना हर साल निकल पाएगा।
अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। इस राज्य से यानी कि आंध्र प्रदेश से भी 7 लाख टन से ऊपर का सोने का अयस्क हर साल निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। काफी अनंतपुर जिले में रामागिरी आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खदान है। जलोढ़ सोने और प्लेसर के भंडार छोटी मात्रा में व्यापक रूप से नदियों के पास एक बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। इस राज्य में अन्य स्वर्ण भंडार के क्षेत्र चित्तूर जिले और जोनागिरी कुमूल जिले में बिसन्नतम और पल्लाचूर में है। अगला राज्य जहां सबसे ज्यादा सोना निकलता है वो है झारखंड। यह राज्य तकरीबन 344 किलो सोने का उत्पादन करता है, जो कि भारत के कुल सोने के उत्पादन का 11% से अधिक है। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनते हैं। स्वर्ण रेखा यानी कि सोने की लकीर माने जाने वाली एक नदी है, जिसके रेत में कुछ जलोढ़ सोना पाया जाता है। सिंहभूमि जिले में सोना नदी इसके लिए महत्वपूर्ण है। सोनापट घाटी जलोढ़ सोने के साथ साथ एक और प्रमुख स्थल है जहां पर सोना निकलता है। ठीक इसी तरह भारत के केरल में भी पुन्ना पूजा और चाबियार पूजा नदी के पास के इलाकों में कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। इसके अलावा देश में कई जगह और भी गोल्ड माइंस मिली हैं, जैसे कि सोनभद्र और राजस्थान में भी गोल्ड माइंस पाई गई है। दोस्तों, भारत में सोने का अकूत भंडार है। जो नहीं है वो है एक्सट्रैक्ट करने की, सोने को एक्सट्रैक्ट करने की सही मशीनरी और सही संसाधन। ये प्रॉब्लम है। आने वाले समय में जब ये संसाधन जुटा लिए जाएंगे तो भारत से बहुत मात्रा में सोना निकाला जाएगा, और इससे देश में जो बाहर से सोना आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसमें कमी आएगी, और कमी आने से भारत संपन्न बनता जाएगा। भारत के पास सोने की कमी नहीं है। आइए अब बताते हैं आपको कहाँ है भारत में सोने की रिफाइनरीज। वैसे तो बहुत सी प्राइवेट रिफाइनरीज भी हैं, लेकिन सरकारी मानकों को माना जाए तो पहली है सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी। ये भारत की प्रथम और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी मानी जाती है। इस रिफाइनरी की क्षमता प्रतिवर्ष 217 मैट्रिक टन सोना रिफाइन करके निकालने की है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 3809 है। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। दूसरी जो रिफाइनरी सबसे महत्वपूर्ण है वो MMTC पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा है। यह भारत की विशालतम अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। इस रिफाइनरी की क्षमता प्रतिवर्ष 50 मेट्रिक टन सोना रिफाइन करने की है। इसके बाद है चेयरमैन आर गोल्ड रिफाइनरी केरल। ये रिफाइनरी भारत के कोचीन में है। यह भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी में से एक है। इस रिफाइनरी की क्षमता प्रतिवर्ष 30 मेट्रिक टन सोना रिफाइन करने की है। इसके अलावा अन्य कई प्राइवेट गोल्ड रिफाइनरी भी हमारे देश में मौजूद है, पर ये तीन रिफाइनरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सोना भारत में बहुत ज्यादा अभी भी है, बस जरूरत है उसे खोजने की और उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट करके जमीन के ऊपर लाने की। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आने वाले समय में भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। आशा करते हैं वीडियो आप सबको जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। क्या कुछ नहीं निकल रहा है की जमीन से, तो सोना भी तो निकल ही। वो देखो KGF की मतलब KGF की और सोने की कान की, जो इस वीडियो के अंदर भी इसने जिक्र किया है की वहाँ भी काफी ज्यादा सोना है। और भी कहने बताई है और इंडिया को बाकी यार सोने की चिड़िया मतलब कह सकते हैं आप, क्योंकि इतना सोना अगर इंडिया से निकल रहा है तो सोने की चिड़िया ही है। कतरा कतरा दरिया बनता है। जाहिर सी बात है, जितना सोना इनकी कंट्री से निकल के ये बाहर से कम मंगवाएंगे, लोन कम पड़ेगा। और ये बात मतलब इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब विदेशियों ने तो बहुत सोना लूटा है मुगलों के दौर में, बादशाहों के दौर में जितना था, जो ऊपरी सोना था वो काफी लूटा है बिल्कुल। लेकिन असल चीज जो है वो मेरे ख्याल से अभी बाकी है। जो 99% लोगों को नहीं पता थी वो शायद हमारे थ्रू 10% तक पहुंच ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई सोना कहाँ कहाँ छुपा है। वो कहते हैं ना खजाना ऐसे ही कहते हैं ना। वो हमने सुना था बचपन में अलादीन का चिराग होता था और रगड़ते थे, फिर वो जिन लेके जाता था पत्थरी, फिर वो एक दरवाजा आता था इसमें आवाज मारते थे खुल जा, वो अलीस बाबा चालीस बाबा खुल जा सिम। तो
तो पहाड़ी खुलती थी, ये खुल गया है, सिम खुल गया है ना। तो मेरे ख्याल इस वीडियो के थ्रू खुल जा सिम हो गया और बाकी यार काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, बिल्कुल यार काफी। तो मुझे तो बड़ी जबरदस्त लगी, सही पूछो तो मैं तो बिल्कुल इसके अंदर खो गया था। वैसे गोल्ड जो है ना वो लेडीज की पसंदीदा चीज, बिल्कुल लेडीज जीती मरती है गोल्ड जो है ना, मतलब जान देती है। बहरहाल यार बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर। आपको कैसा लगा आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है, और इस वीडियो की अगर कोई कमी पेशी है तो वो भी हमें जरूर बताना है कि गोया कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। और आप इंस्टाग्राम पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जहाँ रहें खुश रहें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।